यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये नाम सिर्फ सुनने में ही मुश्किल है, लेकिन ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो बहुत ही आसान है। देखिए, क्लास 6-7-8 में आपने पढ़ा होगा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मीन्स डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इंटू कोसेंट यानी क्यू प्लस आर, ठीक है, आर मीन्स रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, बस डिविडेंड और डिवाइजर के लिए अलग वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर लिया गया है। क्या किया गया है, डिविडेंड के लिए ए और डिवाइजर के लिए बी का इस्तेमाल कर लिया गया। तो ये जो डिवीजन लेमा है उसी चीज पे आधारित है जो कि आप क्लास 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, और हम लोग क्या पढ़ के आ रहे थे 6-7 में, आपने क्या पढ़ा, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, बस यही है। अब इस लेमा को हम लोग जान लेते हैं और थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या? सबसे पहले तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है उसमें यूक्लिड्स यूक्लिड्स आपका नाम है जिन्होंने इस लेमा को दिया है, और डिवीजन डिवाइड से रिलेटेड है यानी डिवीजन करना होता है, और लेमा लेमा किसको बोलते हैं, लेमा के बारे में मैंने पिछले वीडियो में 5 मिनट का वीडियो है उसके बारे में पूरा ही डिटेल में समझाया है, लेकिन यहाँ पर फिर से समझा देता हूँ कि लेमा बोलते हैं एक प्रूवन स्टेटमेंट को जिसका इस्तेमाल करके यूज करके हम लोग किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी अगर है तो वहां पे दो यूनिक इंटीजर्स क्यू और आर एग्जिस्ट करेगा जो कि ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जहां पे आपका आर जो होगा वो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा। ये तो हो गई किताब की बात, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं जिससे आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास 13 टॉफी है, 13 टॉफीज है, और इसको हम लोग को डिवाइड करना है 4 बच्चों में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी, तो दो नंबर दो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे दो और पॉजिटिव यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेगा। कैसे, देखिए 4 बच्चों में बांटना है और हमारे पास है 13 टॉफी, ठीक है, तो 4 3 12 और यहां बचेगा 1। दैट मींस कि अगर हम 4 बच्चों में 13 टॉफी को डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हर बच्चे को 3-3 टॉफी मिलेगा और एक टॉफी बच जाएगा। तो हमारे पास ये तो था ए और ये था बी, और दो और नंबर एग्जिस्ट किया पॉजिटिव इंटीजर, वो हो गया आपका ये क्यू और ये आर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर आपके पास ए और बी होगा दो पॉजिटिव इंटीजर तो दो और यूनिक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन है ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है या नहीं, ये हम लोग देख लेते हैं। तो ए हमारा 13 था, है ना, और बी हमारा था 4 और क्यू हमारा आया है 3 और आर हमारा बचा है 1, ठीक है। तो आप देखेंगे LHS और RHS दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और एक और बात कि आर जो है वो हमारा बी से छोटा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास 14 रुपीज़ हैं, ठीक है, और हमको इस 14 रुपीज़ को डिवाइड करना है 5 बच्चों में, ठीक है। तो दो नंबर ए और बी हमारे पास है, ठीक है, ये ए और ये बी। अब 5 बच्चों में 14 रुपीज़ को डिवाइड करना है, बांटना है, ठीक है, तो 5 2 10 और यहाँ बच जाएगा 4, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर 5 बच्चों में हम लोग 14 यानी 14 रुपये को बांटते हैं तो हर बच्चे को 2 रुपया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा Q और 4 रुपया बच जाएगा, दैट मीन्स ये हो गया हमारा R। तो हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर A और B था, ठीक है, और हमने जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, डिवाइड किया, तो
दो और यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट किया जो कि क्यू और आर के रूप में है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फिर से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो हमारा ए क्या था, 14 था, 14 इक्वल्स बी हमारा था 5, 5 इंटू क्यू आया 2 प्लस आर हमारा आया 4, यानी 14 इक्वल्स 10 प्लस 4। तो इस तरह से आप देखेंगे LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब इस इक्वेशन को फिर से ये सारा नंबर जो है वो सेटिस्फाई कर गया। और एक और चीज़ कि आप देखेंगे R जो है दोनों ही सिचुएशन में वो B से छोटा होगा, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया कि R क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, या फिर 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। तो यही था हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।